रैरों से शिकायत कौन करे। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो में आपको करते हैं वेलकम। आज वैसे हमारा मूड नहीं था बाहर निकलने का, लेकिन फिर भी मौसम जो है वो काफी खुशगवार हो गया था। पिछली जो वीडियो आप लोगों ने देखी थी वो हमारे पास गाड़ी थी, और इस बार फिर हमारे पास वही अपना खटारा सा बाइक है वकास का। तो ऐसा बेहतरीन मौसम हो और हो भी छुट्टी और बंदा रूम में सोया रहे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। इसलिए हमने सोचा था कि आज यार हम एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ से बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा नज़र आता है। बहुत ही ख़तरनाक सी जगह है, मगर फिर भी हमने वहाँ पर खड़े होकर सेल्फ़ी बनानी है, तो आखिरकार हम वहाँ पर चल दिए। मेरी काफ़ी टाइम की कोशिश थी कि यार इस्लामाबाद का मौसम जो है वो कभी बहुत ही खूबसूरत हो तो आप लोगों को दिखाएं। तो आज जो मौसम है वो काफ़ी हद तक साफ़ है, और यहाँ से इस्लामाबाद जो है वो कंप्लीट अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। आज चूँकि मौसम ऐसा था जब हम लोग रास्ते पे आ रहे थे तो उस वक्त हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई थी, लेकिन अभी जो है वो बारिश रुक गई है और हम लोग इस जगह पर थोड़ा स्टे कर रहे हैं और हो सकता है थोड़ा आगे भी जाएं। यहाँ पर बैठकर पबजी खेल रहा है क्योंकि यहाँ पर सिग्नल जो है वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे थे, और आसम जो है वो पीछे बैठकर जो पीछे नज़ारा है वो देख रहा है। अगर आप लोगों को हम लोग दिखाएँ तो आसमान जो है वो बहुत साफ़ है आज, और बारिश जो है वो होने वाली है, किसी वक्त भी हो सकती है। वैसे आना नहीं था, लेकिन मौसम जो है वो थोड़ा खुशगवार हो गया, और असल में पिछला जो हादसा हुआ था, पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो उसके बाद मेरा दिल नहीं करता कि मैं संडे को कहीं निकलूं, लेकिन फिर भी चूँकि वकास साथ था और वकास का प्रोग्राम होता है कि हर इतवार को हम लोग कहीं ना कहीं निकलें, तो फिर हम निकल के वहाँ से आ गए। मरगला के पहाड़ जो है वो वैसे तो सारी जगह जो है वो ख़तरनाक हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर पैदल जाना पड़ता है, वो जगह जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि यहाँ से अगर नीचे देखें तो कम से कम यहाँ से 150 या तकरीबन 200 के करीब जो है यहाँ पर नीचे गहराई है। अगर खुदा ना खास्ता बंदा नीचे चला जाए तो फिर मुमकिन नहीं है वापस आना। स्टोरी का असल सीन तो वहाँ से शुरू हुआ जब हम लोग वहाँ से वापस आने लगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, और फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं कुछ सीन वगैरह बनाऊँ, मगर मोबाइल का माइक जो है वो बिल्कुल ही बंद हो गया था, जिसकी वजह से कोई भी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं मोबाइल का कभी भी रिस्क नहीं लेता, मगर यहाँ पर मौसम इतना खूबसूरत हो गया था और मुझे ये भी पता था कि आने वाले वक्तों में कहीं भी ऐसा मुमकिन नहीं होगा कि मैं ऐसा मौसम यहाँ पर देख पाऊँ, तो मैंने वहाँ पर मोबाइल को निकाल लिया। अरे यार, आप लोगों को भी तो एंजॉय करवाना था ना, अगर ये सीन ना होते तो मज़ा तो नहीं आना था ना यार वीडियो का, तो इसलिए हमने सोचा कि यार खैर है, मोबाइल की खैर है, लेकिन आप लोगों को ये सीन ज़रूर दिखाने हैं किसी न किसी तरह। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो आप वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करें, वहाँ आपके साथ गपशप भी होगी, कोई भी मैसेज, कोई भी डीएम, कोई भी किसी किस्म की भी राय अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आप वहाँ पर मुझे दे सकते हैं। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।